बात करेंगे सिरमा एसजीएस के मैनेजमेंट से। कंपनी ने चौथी तिमाही का नतीजा जो पेश किया है वो काफ़ी बढ़िया था। रेवेन्यू में करीब 63% की ग्रोथ देखने को मिली है। आप क्वार्टरली भी देखें तब भी नंबर अच्छे हैं। एबिटा में भी करीब 28% की कोर एबिटा में आई है और मार्जिन 2% इम्प्रूव हुआ है। फिर भी स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया नीचे की ओर और कल स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट थी, आज भी नरम पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है, बाजार को क्यों नहीं पसंद आ रहे नतीजों में, ऐसी क्या खास बात थी, इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे कंपनी के एमडी जेएस गुजराल जी से। गुजराल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पिछले दो क्वार्टर्स यानी क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री आपके काफ़ी बुरे थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन क्यू फोर आपका काफ़ी बेहतर इम्प्रूवमेंट के साथ आया, लेकिन मार्केट ने उसको लाइक नहीं किया सर। क्या आप बताइए क्या हाईलाइट थी सर नंबर्स की? देखिए मार्केट के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, बट हम अपनी कंपनी के बारे में बात कर सकता हूं कि अगर हम अपनी कंपनी के नतीजे देखें तो Q4 में पहली बार हमने 1000 करोड़ का रन रेट क्वार्टरली टर्नओवर में विटनेस किया है और 7.2% का एबिटा हमने देखा है। और अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं, 3 साल में टर्नओवर में हमने ग्रोथ किया 55% की CAGR, एबिटा में 28% की और एक्सपोर्ट्स में मेरा 19% की 3 साल की CAGR है। इस साल मेरा एक्सपोर्ट्स 26% पर है और अगर क्वार्टर फोर को देखो तो 46% पर है। तो इस ग्रोथ को देखते हुए हो सकता है कि थोड़ी कैश फ्लो के ऊपर जो स्ट्रेस आया है वो मार्केट को पसंद ना आया कि बट अदरवाइज जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो काफी साउंड है कि 3 साल में हमने इतना ग्रो किया और आगे भी जो हम इस साल 24-25 के की तरफ देख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टर्नओवर 40% से ऊपर ग्रो करेगी और एबिटा भी हम 7% के ऊपर मेंटेन करेंगे और एक्सपोर्ट्स भी अच्छी खासी हमारी ग्रोथ होने की उम्मीद है। 25% से अपवर्ड्स हमारी एक्सपोर्ट्स की भी ग्रोथ होने की उम्मीद है। अब एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे, ना ही यूरोप और ना ही अमेरिका इस रेट से ग्रो कर, ये सिर्फ एक ही एंगल को सॉर्ट ऑफ पॉइंट आउट करता है कि कंपनी अपना फुटप्रिंट इन दो मार्केट्स में एस्टेब्लिश कर चुकी है और उसका बिजनेस ग्रोथ वहां से आ रहा है, ऑब्वियसली एट द एक्सपेंस ऑफ मे बी जो कंपनी चाइना से ले रही हो या जहां से ले रही हो, हमारी कंपनी मार्केट शेयर वहां पे गेन करिए है बहुत छोटा बट एक दर्शाता है। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में बहुत कम कंपनी होगी इंडिया से जिनका 800 करोड़ का एक्सपोर्ट हो। पिछले साल हमने 800 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और इस साल आने वाले साल में ये 1000-1100 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। ओके गुजराल सर, एक चीज बताइए कि आपने कहा कैश फ्लो की वजह से थोड़ा सा प्रेशर रहा, क्यों रहा है, कैश फ्लो के प्रेशर क्यों था? देखिए कैश फ्लो का प्रेशर इस करके रहते हैं जब आप इतना ग्रो करते हैं। अब जैसे मैंने 1000 का रन रेट लिया, एवरेज मेरा पिछले साल का वो क्वार्टरली रन रेट कम होगा। अब अगले साल मैंने इस क्वार्टर में अगर क्वार्टर वन में मैंने 1000 करोड़ का रेवेन्यू करना है, 1100 करोड़ का रेवेन्यू करना है, तो मुझे इन्वेंट्रीज और कैपेसिटीज बिल्डअप करके रखनी पड़ती। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पिछले साल हमने अपनी SMT की जो हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, SMT की प्लेसमेंट कैपेसिटी 3.2 मिलियन कंपोनेंट्स 32 लाख कंपोनेंट पर आर से बढ़ा के 61 लाख कंपोनेंट कर दी। तो कंपनी ने 3 दशक के ऊपर अपनी कैपेसिटी क्रिएट की थी, वो हमने 1 साल में रेप्लिकेट की। जब इतनी बढ़ोतरी कैपेसिटी क्रिएशन में होती है तो उसके साथ अटेंडेंट खर्चे भी आते हैं और वो खर्चे अभी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में पूरे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते कि मशीनों के साथ हमें मैन पावर भी रखनी पड़ती है, इंजीनियर्स भी रखने पड़ते हैं। सो वो एक ट्रांजिशनरी फेज है कि जहां हमारी ग्रोथ। गुजराल सर तो फिर आपकी इस थ्योरी को मैं ऐसे इंटरप्रेट करूं कि आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है और बढ़ रही है और इनपुट कॉस्ट भी आपकी बढ़ी है जिसने भी आपको डेंट किया है। हाँ जी, देखिए मेरी कॉस्ट बढ़ी है बट ऑपरेशनल में मैंने 1.25% का 1.5% का एफिशिएंसी भी दिखाई। मटेरियल कॉस्ट मेरी जो बढ़ी है वो
प्रोडक्ट कंपोजिशन, सेल कंपोजिशन में होते हैं जब डिफरेंट वर्टिकल्स को सप्लाई करते हैं हम, तो अगर एक वर्टिकल जिसकी मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होती है उसकी परसेंटेज ऑफ सेल ज्यादा बढ़ जाती है तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। मेरा मानना है कि इस साल 24-25 में ये जो सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस हुआ है इन द ओवरऑल थिंग वो पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा और 24-25 में हम अपने नतीजे 7% बिट्टा के साथ, 40-45% ग्रोथ के साथ, एक्सपोर्ट भी 30% की ग्रोथ होगी, हेल्थ केयर मेरा अच्छा जाएगा, तो वो काफी कुछ जो थोड़े से सॉर्ट ऑफ किंग्स है वो सब निकल जाएंगे। गुजरात सर, सेकेंड क्वार्टर के बाद आपने गाइडेंस दिया था कि इस साल आप 3,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और 9% का मार्जिन रखेंगे, तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो आपने बीट किया, 3,100 से ज़्यादा करोड़, 3,500-3,200 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया, लेकिन मार्जिन पे आप चूक गए सर, 6% का मार्जिन आया आपका, बहुत सिग्निफिकेंट है सर, 9 के सामने 6 का प्रॉमिस आया, इसलिए ओवरऑल हमारा ओवरऑल हमारा बिट्टा मार्जिन 6.8% रहा, एग्जिट रेट 7.2% रहा था। दिसंबर की अर्निंग्स के बाद हमने गाइडेंस दी थी 7% 7.5% तक हम जा पाएंगे। दिसंबर से पहले हमारी कंपोजिशन ऑफ सेल्स का कुछ डिफरेंट था, जब वो मार्केट डायनेमिक्स चेंज होती है तो द कंपोजिशन ऑफ सेल चेंज होता है, उससे हमने इमीडिएटली मार्केट को दिसंबर के नतीजों के बाद गाइडेंस दे दी थी कि हमारा इस साल का मार्जिन 7-7.5% 7% तक रहेगा और एग्जिट रेट हम 7.2% पे पहुंचे हैं। इससे मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि जो हमने गाइडेंस दी है वो हमारी अगले साल बिल्कुल ठीक उतरेगी। अच्छा, इस साल 24-25 में आप बताइए रेवेन्यू और मार्जिन की गाइडेंस क्या रखेंगे? 40-45% की ग्रोथ, ओके, सेल और गाइडेंस एबिटा मार्जिन 7%, ऑपरेटिंग एबिटा, नॉट द ओवरऑल एबिटा, उसमें अदर इनकम भी आ जाती है, ऑपरेटिंग एबिटा का गाइडेंस 7%। तो इस बार आपकी अदर इनकम भी कम रही है सर? देखिए, अदर इनकम जैसे हमारी ट्रेजरी की इनकम हम असेट्स में कन्वर्ट करते जाते हैं, जो इनकम इंटरेस्ट इनकम वगैरह होती है वो कम हो जाती है, और जो असेट लगाते हैं वो इमीडिएटली टर्नओवर और प्रॉफिट देना शुरू नहीं करते, हमें जैसे उसको कहते हैं स्वेटिंग ऑफ द असेट्स, जो असेट मैंने दिसंबर में लगाया उसको जब तक मैंने कमीशन किया फरवरी मार्च हो गया तो 1 महीने की ही उसमें से रेवेन्यू आई हो, ओके, कॉस्ट पूरी आ गई, तो 40% रेवेन्यू ग्रोथ और 7-7.5% ऑपरेटिंग, 7% ऑपरेटिंग, 7% ऑपरेटिंग बेटा। इस बार आप लो होप देके जा रहे हैं? आपकी करेंट हमारी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 4,500 करोड़ की है, और ये कब तक आप एग्जीक्यूट करेंगे 4,500 करोड़? इसमें कुछ तो काफी कुछ तो इसी साल एग्जीक्यूट हो जाएगा, आने वाले 12 महीने में कुछ 25-26 के भी ऑर्डर है, और कुछ ऑर्डर हर क्वार्टर में ऑर्डर आते रहते हैं। अच्छा, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में कितना रेशियो, कितना अभी 80-20, 70-30? देखिए, हमारा अब जो हमारा एक्सपोर्ट का रेशियो है वो भी 26 मतलब एक्सपोर्ट का रेशियो मेरा है 26%, मैंने 3100 किया और 800 करोड़ के करीब किया तो वो 800 के करीब 26% आता है। अगले साल जब 40% ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट मेरा 25-30% ग्रो करेगा तो ये 25% तक हो सकता है। ओके, ये 25% तक हो सकता है। 1,000 करोड़ की बहुत ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जो डाइवर्सिफाइड फील्ड में हो, मोबाइल फोन एक बना के एक्सपोर्ट करना या टीवी बने, वो हम डाइवर्सिफाइड फील्ड में हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, उसमें बहुत सारी कंपनियां इंडिया में नहीं होंगी जो 1,000 करोड़ की एक्सपोर्ट करती। आपने भी बातचीत में सर एक चीज कहा कि कंज्यूमर और हेल्थ केयर दोनों में आपको लगता है हेल्थ केयर में भी यहाँ पे ग्रोथ होगी जो कि मार्जिन के हिसाब से ज़्यादा बेटर होता है, ये बात आपने मतलब इसको अंडरलाइन किया आपने कि हेल्थ केयर में बेटर बिजनेस इस बार हो सकता है, कैसे और कहाँ से? जी, हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे बाहर के कस्टमर्स हैं उनसे जो हमारे पास विजिबिलिटी आई है उसके बेस के ऊपर,
क्योंकि पिछले साल अगर आप मेरी Q1 की अर्निंग कॉल देखें तो हमारा हेल्थ केयर बहुत ही कम था, 15 करोड़ का एक क्वार्टर में था हेल्थ केयर का बिजनेस, वो अब रिबाउंड होकर 40 करोड़ एक क्वार्टर का पहुंच गया है। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा इस साल हेल्थ केयर बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। ओके अच्छा सर, ओसेट पे कोई अपडेट देंगे, कोई बताएंगे उसमें क्या क्या चल रहा है? देखिए ओसेट हम इवेल्युएट कर रहे हैं, कुछ उसमें लूज एंड्स हैं जो हमें अभी मतलब इट इज नॉट गिविंग अस द कॉन्फिडेंस, तो इस करके इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस है, बात बात हमारी चल रही है, पर जब तक वो लूज एंड टाई नहीं हो जाते हम इसमें प्लंज नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे, उस करके हम इसमें प्लंज नहीं लेना चाहेंगे जब तक हमारे कंसर्न एड्रेस नहीं होगा। क्या क्या सर, क्या कंसर्न क्या है आपके सर, ये तो बताओ। देखिए कंसर्न इसमें दो है कि जो मैं माल बनाऊंगा वो मेरा पार्टनर टाइट गारंटी दे कि वो उठा ले, क्योंकि माल मैं अपने पार्टनर के ब्रांड नेम में बनाऊंगा, सिर्मा SGS के ब्रांड नेम में नहीं बने, और अगर सिर्मा SGS के ब्रांड नेम में बनना है तब इसको 4-5 साल चाहिए वो ब्रांड एस्टेब्लिश करने में मार्केट में, कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या प्रोडक्ट कंपनी सिर्मा SGS के कंपोनेंट लगाने शुरू करें। तो पहले स्टेप में मैं माल जो बनाऊंगा वो अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर के नाम का बनाऊंगा, उसकी सप्लाई चेन को फुलफिल कर, वो आज भी वो माल अपनी अदर फैक्ट्री से दे रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन इंडिया में माइग्रेट कर रहा है। तो क्या नहीं दे रहा क्या आपको, वो मना कर रहा है क्या पार्टनर? नहीं, वो कॉन्क्रीट प्रूफ मतलब जो होता ना मतलब वॉटर टाइट कॉन्फिडेंस यील्डिंग की एक्चुअली दे दे और ना उठाए तो फिर तो आई एम स्टक अप विद द डेड मशीन एंड डेड इन्वेंटरी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कमर्शियल रियल्म में है डिस्कशंस चल रही है, और ये हमें टेक्नोलॉजी जो देगा वो टिपिकली वो लिगेसी टेक्नोलॉजी होगी। ओके, उसके बाद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी उससे कमिट करवानी है कि टेक्नोलॉजी ओसेट में कंपोनेंट्स में बहुत तेजी से बदल रही है, वो जैसे मर्फी लॉ होता है कंपोनेंट छोटे से छोटा होता जाएगा कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। नहीं चार बिल्कुल सही है सर, अपने टर्म्स पे ही करिएगा वरना बाद में फिर पता लगा दिक्कत होने लगे। हाँ बिल्कुल, हमने पहले भी देखा है कुछ, हमें अपना पुराना तजुर्बा भी, हम जब नौकरी करते थे कि ऐसे जॉइंट वेंचर्स कर लिए और एग्रीमेंट थोड़े से लूज हैंडेड थे तो वो जॉइंट वेंचर पार्टनर तो मशीन देके पैसे लेके साइट में हो जाएगा तो हम उसको लेके बैठे रहेंगे। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करना है, अभी कंजर्वेटिव नहीं सर, कंजर्वेटिव होना ठीक है, बात की समस्याओं से अच्छा कि अभी कंजर्वेटिव हो। दो बातें मैं सर आपकी लेके जा रहा हूँ टेक अवे के तौर पे, 40-45% की ग्रोथ करेंगे आप और 7-7.5% का ऑपरेटिंग मार्जिन देंगे। 7% आपकी आपके नाम पर मेरी तरफ से 7% आप मेरे को मतलब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मैं तो 7.5% अच्छा चलो 7% मान लिया। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द न्यू फाइनेंशियल। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच। तो सिर्मा SGS में नतीजों का विश्लेषण था ये, और एक स्ट्रांग रिएक्शन कल क्यों आया था वो उसको बहुत अच्छे से गुजाल साहब ने समझाया, और वो लूज एंड्स को टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे 394 के आसपास वक्त ट्वीट कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मार्केट अपडेट।